The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, namaskar, adab, sat sri akal, kaise hain aap? Dosto, aaj hum baat karenge glycemic index aur diabetes ke baare mein. Agar aap jante hain ki khane peene ki cheezon ka ek glycemic index hota hai. क्या होता है ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स, क्या इंपॉर्टेंस है इसका और क्या इसके ध्यान ना देने के वजह से आपको डायबिटीज होता है या इस पर ध्यान देने से क्या डायबिटीज ठीक हो जाएगा? जी हाँ, इसके ऊपर आज ये वीडियो है। इसकी जानकारी हर उस बंदे को होनी चाहिए जिसको या तो डायबिटीज है, होने वाली है, मोटापा है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तो जरूर इस वीडियो को देखिए। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली इज अ मेजर ऑफ हाउ क्विकली अ फूड कैन बी एब्जॉर्ब, हाउ into your blood can make your blood sugar rise. यानी कि आप कोई भी खाना खाते हैं वो कितनी जल्दी आपके खून में जाके आपके खून का sugar levels कितना बढ़ा देगा, ठीक है? जिनका high glycemic index होता है मतलब वो जल्दी से absorb हो जाएंगे, खून में चले जाएंगे और जल्दी जल्दी खून का level बढ़ा देंगे, sugar level. So ये जब बात होती है glycemic index तो उन्हीं खाने पीने की चीजों की बात हो सकती है जिनमें ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट हो। सो ओनली फूड्स दैट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स हैव अ जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, राइट? सो ऑयल्स, फैट्स, मीट, उनको कोई इनका कोई ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑयल्स, फैट और मीट खाने से शुगर नहीं होती, उनके उससे शुगर कंट्रीब्यूट नहीं होती। आपका मोटापा इससे कंट्रीब्यूट हो सकता है, आपके टोटल कैलोरी इनटेक कंट्रीब्यूट हो सकते हैं जिसके वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस आ सकता है और उसके वजह से अल्टीमेटली आपकी डायबिटीज बढ़ सकती है, आपका मोटापा बढ़ने से, मेटाबॉलिक सिंड्रोम बढ़ने से, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से। तो हर प्रकार के फूड का रोल है। यहां पर बात हो रही है ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड का। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि अगर आपको डायबिटीज है या प्री डायबिटीज है और आप ऐसे खाना खाते हो जिनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो, जैसे कि चीनी, शुगर या फिर इवन गुड़, अगर आप कोई मीठा खाते हैं, इवन खंड मिश्री खाते हो जिसका सिंपली हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो उन चीजों से आपकी शुगर लेवल फट फट बढ़ जाएगी, राइट? सो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें आपको कम खानी। इन जनरल ऐसी चीजें जिनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो खानी है, क्योंकि वो आपकी शुगर जो है ब्लड ग्लूकोज है उसको स्लोली बढ़ाएगी, उसको स्लोली बढ़ाएगी और आप उस दौरान उसे कंट्रोल कर सकेंगे, ठीक है? जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड है वो जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं, जैसे ग्लूकोन डी है वो वाले फूड। और यहां पर ये जीआई का एक स्केल होता है। वो क्या मतलब है, इसको कैसे डिसाइड किया जाता है कि किसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, किसका ज्यादा है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैन बी फ्रॉम 0 to 100। तो 0 से 100 जाता है प्योर ग्लूकोस, यानी कि आपके ग्लूकोन डी उसका सबसे हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 100 का। वो सबसे जल्दी एब्जॉर्ब होगा, जैसे ही गया पेट में वैसे ही एब्जॉर्ब होगा जितनी जल्दी, और बाकी सारे फूड को उससे कंपेयर किया जाता है। और सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो एक ही तरीके से नहीं काम करते, ये ध्यान में रखें। कुछ जो हैं वो आपके ब्लड शुगर को जल्दी स्पाइक करेंगे, कुछ धीरे धीरे करेंगे, और इसी के लिए उसके जो कितनी जल्दी ये ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करेगा इन्हें बढ़ाएगा उसको ग्लूकोज से कंपेयर करके उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक स्केल में रखा गया कि इसका नंबर ये होगा जीआई इंडेक्स का, राइट? टू दैट इज कंपेयर टू प्योर ग्लूकोज, राइट? और जिनका ऐसा जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होगा, अगर आप उनको खाते हैं तो आप अपने ब्लड शुगर लेवल को बेटर कंट्रोल कर पाएंगे, बढ़ने से रोक पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है। तो कौन कौन से हैं जिनका जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, कितना कम है? 0 to 55, ठीक है? याद रखें 100 है आपके ग्लूकोज का, ठीक है? और 0 to 55 का मतलब है कि 55 से कम अगर है तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं। जी हाँ, इसमें आते हैं आपके बार्ली, पास्ता, बार बॉइल्ड राइस इज अ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, कैन यू इमेजिन? या हाँ, जी हाँ। तो प्रॉब्लम आ जाती है राइस की क्वांटिटी में। आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड राइस खा सकते हैं लेकिन क्वांटिटी कम रखें, यानी कि प्लेट भर के खा रहे हैं और खाते ही जा रहे हैं और कैलोरीज बढ़ गई तो भी कंट्रोल नहीं होगा। सो यहां एक पॉइंट है कि ये फूड्स आप खा सकते हैं, राइस, किनोवा, हाई फाइबर ब्रान, ओट्स, ओट मील्स, आप वेजिटेबल्स खा सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खा सकते हैं, ज्यादातर नट्स खा सकते हैं, मिल्क एंड योगर्ट खा सकते हैं, ये सारे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा है। ऑलराइट, तो इसलिए होल ग्रेन्स अच्छे हैं।
मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं 70 से नीचे, यानी कि 56 से लेके 69 तक अगर आपका जीआई इंडेक्स है, वहां कौन आता है? वहां आता है आपके ब्राउन राइस, रेजिंस जो आप खाते हैं, सूखे हुए जो अंगूर, व्हाटएवर यू कॉल देम, पीटा ब्रेड, राई ब्रेड, व्हाटएवर ब्रेड्स आर देयर, वो सारे जो है आपके मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्सेस में है, ब्रेड एंड बेकरी के ज्यादातर प्रोडक्ट्स। व्हाइट ब्रेड जो है वो आ जाता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब 70 से ज्यादा। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आ जाते हैं व्हाइट ब्रेड, ब्रेगल्स, मोस्ट प्रोसेस्ड सीरियल्स, इंस्टेंट ओट मील्स, इंस्टेंट ओट्स जो होते हैं बस डालो और खा लो, वो भी जो नॉर्मल ओट्स होते हैं, स्टील कट ओट्स जिसको आपको बॉइल करना कंपलसरी है, केवल दूध में डाल के खा लो वाला नहीं, राइट। ब्रैन फ्लू, ब्रैन फ्लेक्स जो होते हैं, इवन जो सीरियल्स आपके खाते हो आप, जो कॉर्नफ्लेक्स, दे आर ऑल्सो इन हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, दे आर नॉट गुड, इंक्लूडिंग मूसली, दे आर नॉट गुड फॉर दिस, राइट। और जितने भी स्नैकिंग वाले फूड्स हैं, पोटैटो, व्हाइट राइस, हनी, शुगर, नाउ देयर, यहां पर जो बात आई थी राइस की, नाउ दीज आर पारबॉइल्ड राइस, पारबॉइल्ड राइस और प्रोसेस्ड व्हाइट राइस में फर्क होता है, ध्यान रखें, ठीक है। व्हाइट राइस, हनी, शुगर, वाटरमेलन, पाइन एप्पल, दो फ्रूट्स को यहां डाला है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में, बाकी सारा जो है ये आपके ये है ऐसी चीजें जो आपको कम खानी है। वाटरमेलन आप खा सकते हैं, लेकिन वाटरमेलन को खाने के बाद ना खाएं, बिकॉज दैट ऑल्सो इंक्रीजेज योर शुगर, खाना भी इंक्रीजेज योर शुगर, सो जल्दबाजी हो जाएगी। सो वॉट यू नीड टू डू इज रिड्यूस योर हाई ग्लाइसेमिक फूड क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो प्लान कैसे करोगे? चूज करिए ऐसा खाना जिनका लो या मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कंबाइन करो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड के साथ, ताकि ऐसा ना हो दो तीन चीजें खा रहे हो सारी हाई ग्लाइसेमिक हो, वो भी गलत हो जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा। सो ऐसे लिए बैलेंसिंग जरूरी है, राइट। फूड बैलेंस करोगे तो आपका शुगर लेवल्स तुरंत बढ़ने की जगह धीरे धीरे बढ़ेगा, एंड यू कैन कंट्रोल इट वेरी इजीली। सो जीआई ऑफ द फूड कैन इंपैक्ट पीपल विद डायबिटीज एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, अगर आप उसे सही तरीके से यूज करें तो शुगर कंट्रोल करने में बहुत मदद होगा। सो इसके अलावा मैंने जैसे बताया, कल्ला ऐसा नहीं है कि लो ग्लाइसेमिक में जो है जितना मर्जी खा लो, पोर्शन साइज मैटर्स। इवन इफ यू ईट अ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, ऐसा नहीं कि उसको जितना मर्जी खाओ, राइट, ये ध्यान में रखो, पोर्शन कंट्रोल करना है। प्रोसेस फूड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोसेस फूड्स का और ज्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जैसे अगर आप जूसेस या इंस्टेंट पोटैटो चिप्स या ऐसी चीजें खाते हैं, वो उस पोटैटो से और ज्यादा हायर ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका हो जाता है, एक नॉर्मल फ्रूट से और ज्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो जाता है उस जूस का। तो ध्यान में रखें कि प्रोसेस फूड्स मेक देम मोर डाइजेस्टेबल, मोर इजीली एब्जॉर्बेबल, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका और बढ़ा देता है, प्रोसेस फूड को कम खाइए। कुकिंग कैन ऑल्सो अफेक्ट द ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अगर आप किसी पास्ता को खाते हैं तो अगर कुक्ड पास्ता होगा तो उसका जितना ज्यादा पका होगा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा, बिकॉज कुकिंग विल अगेन इट विल मेक इट ईजी टू डाइजेस्ट एंड ब्रेक डाउन द फूड, है कि नहीं, इसलिए जल्दी ब्रेक डाउन होगा, जल्दी एब्जॉर्ब होगा। सो ये भी आपने ध्यान रखना है। सो बैलेंसिंग द जीआई इन द फूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, कि आपको ये ध्यान में रखना है फूड्स जिनके अंदर बैलेंस करने के लिए, अगर आप फाइबर या फैट वाले फूड्स ज्यादा खाएंगे तो उस तरीके से आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उस मील का कम कर सकते हैं, मगर फैट का भी एक लिमिट है, यू कैन नॉट हैव मोर देन 20% ऑफ योर कैलोरीज फ्रॉम फैट, वो और एक्सेस हो जाएगा। सो यू हैव टू यूज ऑल द अवेलेबल फूड चॉइसेस इन द प्रॉपर मैनर, ये ध्यान में रखें। कुछ प्रकार के फूड है जो सेम क्लास के फूड से आते हैं लेकिन डिफरेंट जीआई वैल्यूज हैं, जैसे कि लॉन्ग ग्रेन व्हाइट राइस, उनका लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स है देन ब्राउन राइस, एंड शॉर्ट ग्रेन, लॉन्ग ग्रेन मतलब लंबे वाले चावल और छोटे वाले चावल, लंबे बासमती, छोटे बासमती या छोटे नॉन बासमती, छोटे चावल जो होते हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, लंबे चावलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, ये देखा गया है। और अगर उसे आप व्हाइट राइस और पारबॉइल्ड राइस में देखेंगे तो व्हाइट राइस का और ज्यादा होता है, तो व्हाइट राइस को कम कर सकते हैं, ब्राउन राइस और वो आप ज्यादा चूज कर सकते हैं। बाकी क्वांटिटी भी मैटर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप व्हाइट राइस खाना चाहें खा सकते हैं, लेकिन कम खाएं।
तो चूज अ वैरायटी ऑफ हेल्दी फूड्स कीपिंग इन माइंड द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द होल मील एज वेल एज द जीआई ऑफ द फूड. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कुछ ऐसे भी फूड है जो हाई हो सकते हैं, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है मगर उनके अंदर न्यूट्रिएंट बहुत अच्छे हैं, जैसे कि पाइनएप्पल, जैसे कि फ्रूट्स. सो फ्रूट्स में जीआई हाई है लेकिन इसीलिए आपको बोला जाता है कि फ्रूट्स खा सकते हो बिकॉज उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी है और आपको हेल्प भी करते हैं. इवन अगर आप कभी भूख लग रही है तो फ्रूट्स विल बी द बेस्ट वे, अगर एनर्जी कम है तो फ्रूट्स विल बी द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड्स. मगर कई बार आयुर्वेद में ये बोला गया खाने के बाद डायरेक्टली फ्रूट मत खाओ बिकॉज फ्रूट्स में हाई जीआई प्लस खाना किसी किसी में हाई जीआई आपका दोनों का दोनों राइस खा लिया फ्रूट्स खा लिया हाई शुगर लेवल ज्यादा बढ़ गई. सो इसलिए बैलेंसिंग इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन दैट. लेकिन अगर आप राइस को आधा कर रहे हो और फ्रूट ऐड कर रहे हो तो बात एक ही है. सो यू नीड टू हैव अ कॉन्शियस नॉलेज ऑफ ऑल द थिंग्स व्हिच यू आर डूइंग. समझ रहे बात? एंड देन दैट्स वेयर कार्ब्स काउंटिंग कम्स. कार्ब्स काउंटिंग मतलब जिनको डायबिटीज है उनको बहुत जरूरी है कार्ब कि आप हर मील में कितना कार्ब्स ले दो. कोई मतलब नहीं है अगर सुबह दोपहर शाम रात बस रोटी 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 चावल रोटी 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 चावल. नो, यू हैव टू हैव सम प्रोटीन्स इन योर डाइट. यू हैव टू हैव अ बैलेंस इन योर डाइट. राइट, ऐसे नहीं कर सकते आप कि केवल केवल ये खाया. राइट, एंड कार्ब काउंटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी फॉर नो चूजिंग अ हेल्दी फूड, मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट, कंट्रोलिंग डायबिटीज, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इन्हें आपको काउंट करना है कि मैं जो खा रहा हूँ उसमें कार्ब्स कितने, प्रोटीन कितने, फैट कितने. दैट्स इट. इफ यू वॉन्ट टू काउंट योर मैक्रोज, दैट्स द थिंग. उसके लिए साइंस ऑफ न्यूट्रिशन वाला वीडियो है जो हमने बनाया था, वो देख सकते हैं आप. एंड इफ यू हैव ट्रबल काउंटिंग द दीज शुगर्स, आपको नहीं समझ आ रही कि मैं क्या खाऊं कैसे खाऊं, देन टॉक टू योर डॉक्टर, टॉक टू अ डाइटिशियन, ताकि आपको एक डाइट प्लान, एक एक्शन प्लान दिया जाए जिसको आप फॉलो करें. ठीक है? सो दिस इज द बेसिस ऑफ GI, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो आपको फॉलो करना है और इस वीडियो को शेयर करना है. मत भूलिएगा साइंस ऑफ न्यूट्रिशन का वीडियो देखना हमारे फिटनेस चैनल पे, और उस वीडियो को भी जरूर शेयर करें इसके साथ. अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब दिस वीडियो. थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक. अपने कमेंट नीचे झुक के बताइए कि आप पूरे दिन में क्या खाते हैं. हम बताएंगे आपको कि भाई उसमें शुगर क्या ज्यादा है, कार्ब ज्यादा है, प्रोटीन कम है, क्या है. ऑलराइट, वी विल ट्राई टू आंसर ऑल द कमेंट्स. थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.